अंकिता की मौत से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश भर में गुस्सा है। दबाव बढ़ा तो सरकार ने कार्रवाई भी की। अंकिता की मौत से पहले का एक ऑडियो हमें मिला है जिसमें वो काफी डरी हुई है, सहमी हुई सी लग रही है। अंकिता भंडारी की मौत कैसे हुई? मौत से पहले बीजेपी नेता के बेटे ने उसके साथ क्या क्या किया? पावर के नशे में 19 साल की लड़की से हुई दरिंदगी का पर्दाफाश हो चुका है। ऋषिकेश एम्स ने अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि अंकिता की मौत दम घुटने और डूबने से हुई। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि चोट की वजह से अंकिता बेहोश हो गई। पानी में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। गुस्से की ये आग उस साजिश के खिलाफ है जिसने एक 19 साल की लड़की की जान ले ली। ये कार्रवाई उन साजिशकर्ताओं के खिलाफ है जिसने बड़ी बेरहमी से अंकिता भंडारी का कत्ल कर दिया। यह आक्रोश उन लोगों का है जो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इंसाफ के लिए नारे लगा रहे हैं, अंकिता के कातिलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अंकिता की हत्या की वजह को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, महिलाओं के लिए डराने वाला है। उत्तराखंड के एक ताकतवर नेता के बेटे पुलकित आर्या ने अंकिता पर वो सब करने का दबाव डाला जो उसके जमीर को गवारा नहीं हुआ और अंकिता की इसी सिर ने उसकी जान ले ली। पहले केस 22 तारीख को थाना पुलिस को सौंपा गया था और हमने एक दिन के अंदर ही केस को वर्कआउट कर लिया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लड़की को इस नहर में, गंगा नहर जो चेला के पास से जाती है ऋषिकेश। इस बीच आज तक को अंकिता का एक ऑडियो भी मिला है जिसमें रिजॉर्ट के रसोइये से बात करते हुए वो काफी डरी दिख रही हैं। मैं फोन बोल रहा हूँ, क्या हो गया? लीजिए भाई वो पले जा दो दुकानदार। चल चलो बड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चलो। अरे चलना, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। अठारह सितंबर को पुलकित अंकिता का झगड़ा हुआ, फिर पुलकित ने ऋषिकेश का प्लान बनाया। अंकिता, पुलकित, अंकित, सौरभ ऋषिकेश पहुंचे। वापसी में बैराज होते हुए ऋषिकेश एम्स के पास पहुंचे। बैराज के पास रुककर तीनों शराब पीने लगे। वहां पुलकित और अंकिता में झगड़ा होने लगा। पुलकित ने अंकिता पर बदनाम करने का आरोप लगाया। पुलकित ने अंकिता का फोन नहर में फेंक दिया। फिर अंकिता, पुलकित में हाथापाई होने लगी। गुस्से में पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया। धक्के से अंकिता पहाड़ी से नहर में गिर गई। गुस्से हंगामे के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया। हालांकि आनंद फानंद में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की जांच SIT को थमा दी है। धामी सरकार ने रिजॉर्ट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है, लेकिन इस वारदात से धामी सरकार और उत्तराखंड पुलिस की साख भी जमींदोज हुई है। पौड़ी से अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, ऋषिकेश आज तक।